आज मैं आपको भारतीय रेल में साधारण एवं सहायक नियम को बनाकर रेलवे कर्मचारियों को जिम्मेदारी, आपात स्थिति, साधारण स्थिति में ट्रेनों का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी नियमावली गाइडलाइंस, आपात स्थितियों में, साधारण स्थितियों में रेलवे कर्मचारियों को ड्यूटी रोस्टर किस तरह से उसको अपने संबंधित विभाग के गियर्स का मेंटेनेंस करना है, क्या प्रिकॉशन करना है, स्टेशन मास्टर को आपात स्थिति तथा साधारण स्थिति में किस तरह से ट्रेनों का संचालन करना है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नियमावली GNSR जनरल एंड सब्सिडायरी रूल में रेलवे के द्वारा जारी की जाती हैं, की जा चुकी हैं, जो 11 फरवरी 1976 से भारतीय रेल में लागू हैं। इसमें मुख्य रूप से जो जनरल रूल्स होते हैं, साधारण नियम होते हैं, वो बोल्ड लेटर से लिखे होते हैं तथा इनको कैटेगराइज करते हुए सहायक नियम तथा जनरल रूल्स को अगर कैटेगरी में बाउंड करना है तो उसमें इसको अपेंडिक्स के रूप में बना देते हैं पैरा वाइज, और उसी में के हिसाब से इसको आगे इंस्ट्रक्शन देते चले जाते हैं। ब्लॉक वर्किंग से संबंधित ब्लॉक मैनुअल अलग से उपलब्ध कराया गया है रेलवे कर्मचारियों के लिए। साधारण और सहायक नियम में ट्रेनों संचालन, रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारी को विस्तार से अच्छा लागू करने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए पूरी नियमावली GNSR में उपलब्ध कराई गई है। इसमें ट्रेन संचालन से जुड़े सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सभी प्रकार के सभी स्थितियों में गाइडलाइंस अच्छा लिखी हुई है। इसमें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के दौरान SNT विभाग द्वारा किए जाने वाले नियमों का पालन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम इसमें कुछ सिग्नल विभाग से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं, डिस्क्राइब किया गया है कुछ चीज़ों को सिग्नल विभाग से संबंधित हैं, जो जैसे कि एडिक्वेट डिस्टेंस, पर्याप्त दूरी। पर्याप्त दूरी वह दूरी मानी गई है जिससे उस पर्याप्त दूरी को, एडिक्वेट डिस्टेंस अगर क्लियर रखी जाती है, खाली रखी जाती है, तो सेफ्टी इंश्योर की जाए। वो सिग्नल के आगे खाली रखे जाने वाली दूरी भी हो सकती है, ओवरलैप हो सकता है, या और कोई भी किसी वजह से यार्ड में कहीं पे भी कोई एडिक्वेट डिस्टेंस को माना जाता है कि अगर इतनी डिस्टेंस ट्रेन के आगे खाली है, सिग्नल के आगे खाली रखी जाती है, तो ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल कर लेगा, जिससे हमारी पूरी की पूरी सेफ्टी बनी रहेगी। ट्रेन की सेफ्टी क्योंकि सर्वप्रथम है। अप्रोच लाइटिंग, इसमें सिग्नल्स का को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है, सिग्नल के एस्पेक्ट्स को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है, उस व्यवस्था को हम लोग अप्रोच लाइटिंग कहते हैं। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, हर रेलवे का, जैसे नॉर्दर्न रेलवे, NCR रेलवे, हर रेलवे का एक CSO, चीफ सेफ्टी ऑफिसर होता है, जो सेफ्टी से संबंधित गाइडलाइंस उस रेलवे को समय समय पर संशोधित करके जारी करता रहता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस उसके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के नाम से अप्रूव्ड होके सेक्शन में भेजे जाते हैं। ऑथराइज ऑफिसर, जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एम्पावर्ड किया जाता है जनरल या स्पेशल ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए, लागू करने के लिए, उसको हम ऑथराइज ऑफिसर्स बोलते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, फिर से चूंकि GNSR में अलग अलग बाइफरकेशन नहीं किया गया है, केवल एक्सेल काउंटर शब्द का उपयोग किया गया है। एक्सेल काउंटर मतलब सिग्नलिंग के भाषा में देखा जाए तो यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर, SHDAC, MSDAC, HASSDAC, ये सारी चीज़ें
एक्सेल काउंटर की श्रेणी में ही आती हैं। एक्सेल काउंटर को क्या परिभाषित किया गया है किस प्रकार से, वो मैं बताता हूँ कि किसी पर्टिकुलर ट्रैक जोन, ट्रैक सेक्शन, वो पॉइंट सेक्शन भी हो सकता है या प्लेन ट्रैक भी हो सकता है, उसके बीच में व्हीकल क्लियर है या ऑक्यूपाइड है, व्हीकल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, उसकी प्रेजेंस या अनप्रेजेंस को एक्सेल काउंटर के माध्यम से हम लोग रीड करते हैं या चेक करते हैं या उस सेक्शन का क्लियरेंस का पता लगाते हैं, उसको GNSR के अनुसार एक्सेल काउंटर शब्द दिया गया है। ब्लॉक बैक ब्लॉक फॉरवर्ड दो चीज़ें होती हैं। ब्लॉक बैक दोनों लाइंस के लिए होता है, सिंगल लाइन में भी होता है, डबल लाइन में भी ऑपरेटिंग इस सुविधा का यूज़ कर सकता है, लेकिन ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में होता है। ब्लॉक बैक का मतलब है अगले स्टेशंस को, अगर वो डबल लाइन है तो अगले स्टेशंस को ये मैसेज भेजने से संबंधित है। इमीडिएट स्टेशन को, अगले स्टेशन को मैसेज भेजते हैं कि या तो ब्लॉक सेक्शन ऑब्स्ट्रक्ट है या जस्ट ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है। इन केस ऑफ सिंगल लाइन में आइदर स्टेशन, आगे वाला स्टेशन या बैक साइड के स्टेशन को जिस तरफ ब्लॉक बैक किया जाना है उधर मैसेज भेजते हैं कि उसका ब्लॉक सेक्शन या तो ऑब्स्ट्रक्ट है या ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है। ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में होता है, इसमें भी अगले स्टेशन को मैसेज इंटीमेट किया जाता है कि उसका ब्लॉक सेक्शन ऑब्स्ट्रक्ट है या ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है। ब्लॉक सेक्शन दो ब्लॉक स्टेशन के मध्य जो सेक्शन होता है, जिसको हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसको हम लोग ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। इस ब्लॉक सेक्शन में इंट्री, किसी व्हीकल की इंट्री, ट्रेन की इंट्री बिना लाइन क्लियर के संभव नहीं होती है, और उस ट्रेन को डिस्पैच करने के लिए, स्टेशन से डिस्पैच करने के लिए, अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेने के बाद ही वो ट्रेन या व्हीकल ब्लॉक सेक्शन में इंट्री करेगा, तो उस सेक्शन को हम लोग ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। फिक्स सिग्नल जिनकी लोकेशन फिक्स होती है, जिनको SIP में लोकेट किया जाता है कि ये होम सिग्नल है, इसकी लोकेशन ये रहेगी हमेशा, ये स्टार्टर है, जिनकी लोकेशन फिक्स होती है वो सारे सिग्नल फिक्स होते हैं। अमूमन सारे सिग्नल आजकल के रेलवे में फिक्स सिग्नल ही लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन बदलती नहीं है। यार्ड रिमॉडलिंग या अल्ट्रेशन के समय किसी सिग्नल की स्थिति हम लोग आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन वो सेंक्शन लेने के बाद ही वो नई लोकेशन उसकी फिक्स लोकेशन हो जाती है। इसलिए जितने भी सिग्नल लगे होते हैं सभी फिक्स सिग्नल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, चाहे वो सेमाफोर हो, चाहे टू आस्पेक्ट हो, चाहे मल्टी आस्पेक्ट हो, सारे सिग्नल फिक्स सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉलिंग मार्क। ए मार्क एट विच द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिक्स स्टैंडर्ड डायमेंशंस अकर, जहाँ पर दो लाइनें मिल रही हों या जुड़ रही हों तो दोनों के बीच किसी भी प्रकार का मूवमेंट के समय आपस में एक दूसरे को इन्फ्रिंजमेंट ना हो, इस तरह से एक डिमार्केशन किया जाता है, बीच में फॉलिंग मार्क रखा जाता है दोनों लाइनों के बीच में, अगर क्रॉस कर रही हैं जुड़ रही तो भी, ताकि वो दोनों लाइनें अगर मूवमेंट हो जाए किसी एक लाइन में या साइमल्टेनियस मूवमेंट हो जाए तो भी उस दोनों मूवमेंट का आपस में कोई इन्फ्रिंजमेंट, कोई उल्लंघन एक दूसरे के सीमा पर ना हो। उस मार्क के लिए जो लगाते हैं वाइट पट्टी का एक सीमेंटेड वो होता है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, हर स्टेशन पे आप देख सकते हैं जब लाइन क्लोज होती पॉइंट जोन के पास एक फॉलिंग मार्क रखा होता है, प्लेटफॉर्म लाइन के लास्ट में रखा होता है दोनों तरफ, उसको हम लोग फॉलिंग मार्क कहते हैं कि आपस में दोनों लाइन्स का अगर आगे पीछे हैं तो भी दोनों लाइन्स के बीच में आपस में एक दूसरे की सीमा का किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन ना हो रहा हो। इंटरलॉकिंग एक तरह से सिग्नल
पॉइंट्स और बैक सर्किट, बाकी सारी चीज़ें, लेवल क्रॉसिंग गेट है, तो इस तरह से उनको कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से उनको कनेक्ट करके ऑपरेट किया जाए कि सेफ्टी के साथ, कुछ शर्तों के साथ ट्रेन का संचालन सुरक्षापूर्ण ढंग से किया जा सके, उसको हम लोग इंटरलॉकिंग कहते हैं। मतलब सिग्नल पॉइंट और ट्रैक सर्किट, बाकी जो भी संबंधित गेयर्स उस यार्ड में हैं, उनको आपस में इन तरह से इंटरकनेक्ट किया जाएगा। इस तरह से एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाएगा कि पहले पॉइंट ऑपरेट होके रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट एंड लॉक होंगे, उसके बाद सारे ट्रैक क्लियर होने चाहिए, तभी उस रूट का, उस लाइन का सिग्नल को लोअर हो सकता है, टेकन ऑफ किया जा सकता है, डाउन किया जा सकता है। ये सारी शर्तें और सारी कंडीशनें और सारी सीक्वेंस प्रॉपर उसी उसमें इस्टेब्लिश होना चाहिए जैसा वहाँ पर डिज़ाइन किया गया है या जिसको सेंक्शन किया गया है। और ये पूरा प्रॉपर सीक्वेंस अगर हो रहा है तो वो पूरी सेफ्टी के साथ होगा। इस सेफ्टी के साथ ट्रेनों का संचालन करने के लिए सिग्नल विभाग द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है उसको इंटरलॉकिंग कहते हैं। अब इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग IBS, अगर दो ब्लॉक स्टेशन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि ब्लॉक सेक्शन की दूरी बहुत ज़्यादा होने पर एक समय में एक गाड़ी जाएगी, जब तक उसका कंप्लीट अवेलेबल अगले स्टेशन पे नहीं हो जाएगा, कंप्लीट नहीं पहुंच जाएगी, तब तक हम दूसरी ट्रेन को उससे पिछले स्टेशन से डिस्पैच नहीं कर सकते। तो इस तरह से ट्रैफिक की डेंसिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी हमें कि ताकि जल्दी जल्दी उस सेक्शन को ट्रेनें जल्दी जल्दी कवर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकें, नंबर ऑफ ट्रेन हम ज़्यादा से ज़्यादा उस सेक्शन से भेज सकें और ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा सकें। उसके लिए उस ब्लॉक सेक्शन को हम स्प्लिट कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे, और जहाँ से उसको दो भागों में बांटेंगे वहाँ पर हम उसको एक IB पोस्ट बनाएंगे, IB पोस्ट पर एक IB सिग्नल लगाएंगे, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग बोलते हैं उसमें। ये IB सिग्नल पिछले स्टेशन से कंट्रोल होगा और ये दो ब्लॉक सेक्शन हो जाएंगे, एक पिछले स्टेशन से IB सिग्नल के बीच का ब्लॉक सेक्शन और एक IB सिग्नल से अगले स्टेशन तक के होम सिग्नल का सेक्शन अगला ब्लॉक सेक्शन हो जाएगा। इस तरह एक समय में हम दो गाड़ियां उस ब्लॉक सेक्शन में भेज सकते हैं, एक पहले सेक्शन में होगी और एक अगले सेक्शन में होगी। लेकिन अगर इसी को हम IBH बना देंगे, इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, तो उसमें क्या होगा, हम दोनों डायरेक्शन में अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में डबल गाड़ियाँ भेज सकते हैं, क्योंकि IBH बीच में बनाएंगे, वो ब्लॉक सेक्शन अप एंड डाउन दोनों स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन IBH के लिए हमें पूरा सिग्नलिंग व्यवस्था लगानी पड़ेगी, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, जस्ट लाइक ए सी क्लास स्टेशन में जो मिनिमम सिग्नलिंग इक्विपमेंट है डिस्टेंट ऑफ होम, वो हमें दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पावर सप्लाई वहाँ देनी पड़ेगी। तो अगर IBH लगाएंगे तो पूरी सी क्लास स्टेशन वाले मिनिमम इक्विपमेंट वहाँ पर बिल्डिंग के साथ 24 घंटे स्टेशन मास्टर तथा उसके साथ स्टाफ की पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन IBS में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल IB सिग्नल लगाना पड़ेगा। तो जैसी आवश्यकता अनुसार इसको हम करेंगे। तो IBS का मेन पर्पस क्या है GNSR के अनुसार, उस ब्लॉक सेक्शन को स्प्लिट करके ट्रेन की फ्रिक्वेंसी, सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ाना। आइसोलेशन एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसको हम किसी दूसरे प्रकार से या पॉइंट की सेटिंग के थ्रू अचीव करते हैं। आइसोलेशन का मतलब एक लाइन से अगर ट्रेन को मूवमेंट किया जा रहा है तो उससे कनेक्टेड जो भी लाइन है, सारी लाइन्स पॉइंट से कनेक्ट होती हैं, आपस में एक दूसरे से लिंक होती हैं वाया पॉइंट, तो या तो आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए जिस लाइन से मूवमेंट होगा वो बाकी लाइन पर उस ट्रेन मूवमेंट का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, जिसको या तो हम पॉइंट सेटिंग से अचीव कर लेते हैं कि
दूसरी लाइन से संबंधित पॉइंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो गया, अगर उनमें रोल डाउन भी होगा, ट्रेन में मूवमेंट अपने आप भी होता है, व्हीकल अपने आप मूव करता है, तो भी वो इस रनिंग ट्रेन को, रनिंग मूवमेंट को किसी भी प्रकार इफेक्ट नहीं कर सके, जिससे किसी भी प्रकार की सुरक्षा में व्यवधान ना पड़े, सेफ्टी में इन्फ्रिंजमेंट किसी भी प्रकार का संभव ना हो। तो उसके लिए हम आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। सभी रनिंग लाइंस के बीच में आइसोलेशन होता है, वो पॉइंट से भी हो सकता है, रनिंग लाइन से सारी साइडिंग पॉइंट्स को प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि साइडिंग में गाड़ियाँ विदाउट इंजन भी खड़ी होती, लोड स्टेबल होता है, उसमें वो डाउन हो सकता है, इस वजह से सारे साइडिंग पॉइंट, सारे हैंड प्लंजर वाले पॉइंट, ये सारी चीज़ें रनिंग लाइन से आइसोलेट रखी जाती पॉइंट के माध्यम से, या रिक्वायर्ड पोजीशन में पॉइंट को सेट एंड लॉक करके, ताकि रोल डाउन होने पे मेन लाइन या पर्टिकुलर लाइन की तरफ जिससे आइसोलेट किया गया है कोई सिग्नलिंग मूवमेंट को इन्फ्रिंज ना कर सके। लास्ट स्टॉप सिग्नल, ब्लॉक सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या ब्लॉक सेक्शन में इंटर होने के लिए जो सिग्नल व्यवस्था बनाई जाती है, जो सिग्नल टेकन ऑफ या ऑफ करने से ड्राइवर ब्लॉक सेक्शन में इंटर होता है, उसको हम लोग लास्ट स्टॉप सिग्नल कहते हैं। उस सिग्नल के आगे ब्लॉक सेक्शन होता है और उसके बाद ही ब्लॉक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अगले स्टेशन का रिसेप्शन सिग्नल ड्राइवर को मिलता है। लेवल क्रॉसिंग गेट, लेवल क्रॉसिंग गेट मुख्यतः वो कहलाता है इंटरेक्शन ऑफ रोड विथ रेलवे ट्रैक एट द सेम लेवल, जहाँ पर रेलवे ट्रैक के साथ रोड ट्रैफिक रोड मिलती है, लेकिन दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। मतलब जो रोड उसको क्रॉस कर रही है रेलवे ट्रैक को, उसका लेवल और रेल ट्रैक का लेवल सेम होना चाहिए, अर्थात वो क्रॉस मूवमेंट होता है रोड ट्रैफिक के लिए, रोड ट्रैफिक को वहाँ से रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना होता है। तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लिफ्टिंग बैरियर लगाते हैं और उस जगह को, उस गियर को हम लोग लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। जैसे आगे है लेवल क्रॉसिंग गेट, उसके लिए जो व्यवस्था लगाई जाती है बैरियर टाइप लेवल क्रॉसिंग गेट, स्विंग टाइप लेवल क्रॉसिंग गेट, अब तो आधुनिक रूप से ELB लगाया गया है, इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, जो मोटर से ऑपरेट होता है। तो ये सारी व्यवस्था रोड ट्रैफिक को रेलवे ट्रैक से प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या रोड ट्रैफिक से ट्रेनों सुरक्षित रखते हुए ट्रेनों का संचालन करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, उसको हम लोग लेवल क्रॉसिंग गेट कहते हैं। इसको हम स्लॉट के माध्यम से, एक T2 लॉक लॉकिंग रिले होती है उसके माध्यम से कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट सिग्नल से ये कंट्रोलिंग होती है। जब लेवल क्रॉसिंग गेट लॉक पोजीशन में होगा, उसके बाद ही हम उस रूट का सिग्नल ऑफ कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन उसमें प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का सेफ्टी इन्फ्रिंज ना हो ट्रेन के संचालन में। लाइन क्लियर जब एक ब्लॉक स्टेशन से अगले ब्लॉक स्टेशन के लिए ट्रेन का संचालन करते हैं, तो ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में इंटर करने के लिए सर्वप्रथम अगले स्टेशन से अप्रूवल लेना पड़ता है, सहमति लेनी पड़ती, जिसको हम लोग लाइन क्लियर कहते हैं। और एक ट्रेन, जो ट्रेन हमने डिस्पैच की है इससे पहले, वो कंप्लीट पहुंच गई है वो अगले स्टेशन पर, ये कंफर्मेशन लेने के बाद देने, और ये कंफर्मेशन अगला स्टेशन देता है, वो उसके देने के बाद ही हम उससे अगली ट्रेन को भेजने की अनुमति लेते हैं, जिसको हम लोग लाइन क्लियर कहते हैं। संटिंग, अगर ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है साधारणतः, लेकिन उसमें किसी वजह से कोई वैगन को ट्रांसफ़र करना है, वैगन को अटैच करना है, या किसी विशेष वैगन को अटैच करना है, उस कंडीशन के लिए उस यार्ड में जो मूवमेंट किया जाता है उसको हम लोग संटिंग कहते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का वैक है, उसमें कुछ वैक मालगाड़ी या गुड्स ट्रेन बनाने के लिए ऐड करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए बड़े स्टेशनों पे संटिंग 24 घंटे चलती रहती, क्योंकि उसमें गुड्स ऐड अलग होता है। इससे मतलब
पूरा पेयर बनाया जाता है, इस रूट की गाड़ी वो पूरी तैयार की जाती, इतने वैगन इस सेक्शन के, इतने वैगन इस सेक्शन के, इस टाइप से उनको आपस में जोड़ना और हटाना, अटैच करना या ट्रांसफ़र करने के लिए जो ट्रेनों का संचालन किया जाता है या इंजन के द्वारा मूवमेंट किया जाता है उसको हम लोग संटिंग कहते हैं। और संटिंग को का पूरा डिस्क्रिप्शन कि बी क्लास स्टेशन में किस तरह से करना है, सी क्लास में अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस प्रकार से संटिंग करनी है, अब और डाउन डायरेक्शन है तो उसमें किस प्रकार से संटिंग करनी है, सिंगल लाइन है तो किस प्रकार की संटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें विस्तार से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए GNSR में स्पष्ट शब्दों में लिखी गई हैं, लिखी हुई हैं। स्टेशन सेक्शन जो यार्ड के अंदर आउटर मोस्ट सिग्नल्स के बीच का जो सेक्शन होता है या स्टेशन मास्टर के अधीन जो सेक्शन होता है उसको हम लोग स्टेशन सेक्शन कहते हैं। अगर वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन के हिसाब से अगर वो क्लास बी टाइप का स्टेशन है तो डबल लाइन में होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच में स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। लेकिन सिंगल लाइन में अगर SLB लगा हुआ है, सेंटिंग लिमिट बोर्ड है या एडवांस स्टार्टर है सिंगल लाइन में, तो आउटर मोस्ट दोनों तब के बीच, दोनों SLB के बीच या दोनों एडवांस स्टार्टर के बीच स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। अगर होम सिग्नल लगा हुआ है तो होम सिग्नल के बीच कहलाएगा। अगर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट्स हैं तो उनके बीच होगा, लेकिन इस शर्त में जहाँ पर होम सिग्नल या SLB या एडवांस स्टार्टर उपलब्ध ना हो तब हम उस आउटर मोस्ट पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। मल्टी एस्पेक्ट में क्लास बी स्टेशन में डबल लाइन में आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच एक डायरेक्शन में माना जाएगा, या BSLB और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच में स्टेशन सेक्शन को मानेंगे। और सिंगल लाइन में SLB और एडवांस स्टार्टर सेम जैसे पहले है वैसे ही आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, अगर वहाँ पे होम सिग्नल SLB सेंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर उपलब्ध नहीं है तो। अब सिस्टम ऑफ वर्किंग किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, सपोज़ करिए गाजियाबाद कानपुर सेक्शन है, कानपुर इलाहाबाद सेक्शन है, तो उसमें किस टाइप की सिस्टम ऑफ वर्किंग है, ट्रेनों के संचालन की किस व्यवस्था को अनुमति दी गई है या किस व्यवस्था के अनुरूप उसमें इंटरलॉकिंग की गई है, सेक्शन को डिज़ाइन किया गया है, उसको हम सिस्टम ऑफ वर्किंग बोलते हैं। उस व्यवस्था के अंदर उस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा जो 6 प्रकार के होते हैं, 6 में से कौन सा प्रकार उस सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसको हम लोग सिस्टम ऑफ वर्किंग बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ट्रैक सर्किट, ट्रैक सर्किट छूट गई थी, इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड किया जाता है किसी पर्टिकुलर ट्रैक पोजिशन में, अगर इलेक्ट्रिकली हम चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई व्हीकल उस बीच में है या नहीं है, उस किसी व्हीकल की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इलेक्ट्रिकली चेक करने के लिए जो सर्किट बनाते हैं उसको हम लोग ट्रैक सर्किट के नाम से रेलवे में जाना जाता है उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस, स्टेशन का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार के स्टेशंस हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। अगर वो 2 एस्पेक्ट कैटेगरी है तो उसमें क्लास ए स्टेशन भी होगा, क्लास बी भी होगा और क्लास सी भी होगा, और नॉन ब्लॉक यानी क्लास डी होगा। क्लास ए स्टेशन में लाइन क्लियर देने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारे ब्लॉक स्टेशंस हैं, क्या कैटेगरी होगी अगर क्लास ए स्टेशन है, इसमें लाइन क्लियर देने के लिए अगला स्टेशन से लाइन क्लियर की अनुमति तब मिल सकती है जब उस ब्लॉक सेक्शन क्लियर होने के साथ, खाली होने के साथ रिसेप्शन सिग्नल के, पहले रिसेप्शन सिग्नल के आगे 400 मीटर तक की डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर हो, खाली हो, यानी जो इससे पहले जिस ट्रेन का मूवमेंट हुआ था वो ट्रेन रिसेप्शन सिग्नल के साथ साथ आगे 400 मीटर तक का सेक्शन क्लियर कर चुकी हो, तभी ए क्लास स्टेशन में नेक्स्ट गाड़ी को हम लाइन क्लियर दे सकते हैं।
वही क्लास बी स्टेशन इंडियन रेलवे मोस्टली स्टेशन क्लास बी स्टेशन है, इसमें लाइन क्लियर दिया जा सकता है, बस रिसेप्शन सिग्नल और ब्लॉक ओवरलैप खाली होना चाहिए। अगर वो डबल लाइन है तो 180 मीटर तक खाली होना चाहिए। वही अगर क्लास सी स्टेशन कौन से होते हैं, IBH इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, वो क्लास सी स्टेशन होते हैं। इसमें कंडीशन ए से थोड़ी सी ज़्यादा प्लस में है, थोड़ी सी कंडीशन ज़्यादा है। इसमें ब्लॉक सेक्शन के साथ साथ अगले स्टेशन के रिसेप्शन सिग्नल से 400 मीटर तक की ओवरलैप खाली होना चाहिए, डिस्टेंस खाली होने चाहिए। उसके साथ ही साथ जो ट्रेन का अभी मूवमेंट हुआ जिसने 400 मीटर की डिस्टेंस क्लियर किया है वो रनिंग स्थिति में होनी चाहिए, वो स्टेशन मास्टर को चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 400 मीटर के बाद वो जाके खड़ी हो। उस कंडीशन में सी क्लास स्टेशन में पिछले अगली गाड़ी को पिछले स्टेशन के से नहीं चलाया जा सकता या पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर नहीं दी जा सकती है। नॉन ब्लॉक स्टेशन या क्लास डी स्टेशन जिस पे कोई सिग्नलिंग व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे वो हाल्ट स्टेशन्स होते हैं, उनमें केवल बिना सिग्नलिंग व्यवस्था के छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। वो किसी विलेज वगैरह से ट्रेन मूवमेंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ सेकंड का स्टॉपेज देता है, ड्राइवर स्वतः उस सेक्शन पे उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, उतने पर्टिकुलर टाइम के बाद स्वतः गार्ड से बात करके ऑटोमेटिक अपने आप चल देता है बिना किसी कंट्रोलिंग या बिना किसी सिग्नल व्यवस्था के। वहाँ पर सिग्नल डिपार्टमेंट की कोई व्यवस्था या कोई ऑपरेटिंग स्टाफ वहाँ पर नहीं उपलब्ध होता है। जनरल प्रोविज़न, जनरल यूज़ ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ट्रेनों का सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए भारतीय रेल पूरी तरह से सिग्नलिंग व्यवस्था पे डिपेंड है। सिग्नलिंग की इंटरलॉकिंग के माध्यम से ही हाई स्पीड ट्रेन्स चल रही हैं, क्योंकि इंटरलॉकिंग व्यवस्था पे ये माना जाता है कि अगर ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब सेफली इतनी दूर तक या अगले स्टॉप सिग्नल तक ट्रेन का सुरक्षित मूवमेंट हो रहा है, ऐसा माना जाता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में सिग्नल का रोल भारतीय रेल में बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी तरह से ट्रेनों का संचालन सिग्नलिंग व्यवस्था पर निर्भर है। संचालन का माध्यम केवल सिग्नलिंग व्यवस्था है, लेकिन आपात स्थितियों में ट्रेनों का डिटेंशन इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ट्रेनों का संचालन सिग्नल फेलियर या किसी विशेष कारण से नहीं हो पाता, उसमें ऑपरेटिंग दूसरे माध्यमों से ट्रेनों को मूवमेंट करता है, जिसको GNSR में दिया गया है कि उस स्थिति में ट्रेनों का संचालन कैसे करना है, जिससे ट्रेनों की स्पीड नॉमिनल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसलिए सिग्नल विभाग का रोल, सिग्नलिंग व्यवस्था का रोल भारतीय रेल में संचालन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काइंड ऑफ सिग्नल, सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, फिक्स सिग्नल वो सिग्नल हो गए जो जिनकी पोजीशन फिक्स होती है कि अगर वो पॉइंट से 120 मीटर पर लगना है तो 120 मीटर पर लगा होगा। होम सिग्नल से एक मिनिमम 1 किलोमीटर पर डिस्टेंट होगा तो 1 किलोमीटर पर डिस्टेंट होगा, वो फिक्स हो गया। जब तक वो यार्ड रहेगा, वो डिज़ाइन रहेगा, अभी मॉडलिंग नहीं होगी, सिग्नलिंग व्यवस्था वही रहेगी, सारे सिग्नलों की पोजीशन फिक्स रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, वही रहेगी। किसी वजह से वो सिग्नल डैमेज भी हो जाएगा तो जो नया सिग्नल लगाया जाएगा वो उसके पोजीशन वही सेम होगी, उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। तो ये सारे सिग्नल जो जिनकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है SIP के अनुसार होती है, उन सभी सिग्नल को हम लोग फिक्स सिग्नल कहते हैं। जब ट्रेन स्टेशन से पास होती है तो उस समय ऑपरेटिंग स्टाफ अपने हैंड सिग्नल के माध्यम से उसको सहमति देता है कि आप सुरक्षापूर्वक यहाँ से निकल जाइए, आपको प्रॉपर सिग्नल दिया गया है, उसके द्वारा दिया गया है। ये आपस में सिग्नल एक्सचेंज कहलाता है और ड्राइवर और ऑपरेटिंग स्टाफ के माध्यम से
इसको सिग्नल एक्सचेंज कहते हैं, हैंड सिग्नल के माध्यम से। आपात स्थितियों में पटाखा डिटोनेटिंग सिग्नल का यूज़ करते हैं, जिससे ड्राइवर को सूचित करने के लिए कोई भी चीज़, या अगर चैन पुलिंग हो जाती, कुछ इमरजेंसी हो जाता है, तो गार्ड बैक साइड में पीछे की ट्रेन को सेव करने के लिए, मैसेज देने के लिए डिटोनेटर्स का यूज़ करता है, वो डिटोनेटिंग सिग्नल कहलाते हैं। और फ्लेयर सिग्नल भी इसी तरह की आपात स्थिति के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना पड़ सकता है। वार्नर सिग्नल एक तरह का परमिसिबल सिग्नल है, अगर उसको सेमाफोर में लगा होगा तो वो इस प्रकार से होगा, टू एस्पेक्ट का इस प्रकार लगा होगा, रेड का मतलब स्टॉप, ग्रीन का मतलब कॉशन। चूंकि लेकिन वार्नर सिग्नल परमिसिबल सिग्नल है, तो वेट कंडीशन में वो स्टॉप का मैसेज नहीं देगा, वेट कंडीशन में वो कहेगा प्रोसीड विथ कॉशन, क्योंकि जिस वार्नर सिग्नल स्टॉप सिग्नल नहीं है, परमिसिबल सिग्नल है, तो वो अपने आगे वाले सिग्नल की पोजीशन को रिपीट करता है। वेट होने का मतलब कि अगला सिग्नल की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, रेड हो सकती है, येलो हो सकती है, लेकिन रन थ्रू नहीं हो सकती। रन थ्रू का मतलब वो स्टेशन से सारे सिग्नल उसके ऑफ नहीं हो सकते। वेट का मतलब ये इंडिकेशन है कि उसे या तो स्टेशन तक जाना है या होम सिग्नल पे रुकना पड़ सकता है, इसलिए प्रोसीड विद कॉशन होता है। लेकिन अगर वो ग्रीन में हो जाता है वार्नर सिग्नल, इंडिपेंडेंट लगा हुआ, किसी सिग्नल के नीचे नहीं लगा हुआ, तो टू एस्पेक्ट का इस तरह से इंडिकेशन देगा। और ग्रीन का मतलब हो गया वो रन थ्रू है, उसके आगे कम से कम सारे रिसेप्शन और डिस्पैच सिग्नल उसको ग्रीन मिलेंगे। ये वार्नर सिग्नल टू एस्पेक्ट में कलर लाइट में इस तरह से दिया गया है, होम सिग्नल ग्रीन है, ग्रीन का मतलब, और वार्नर अगर रेड है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टेशन का जिसका रिसेप्शन सिग्नल ग्रीन है लेकिन उसका डिस्पैच सिग्नल ग्रीन नहीं है या डाउन नहीं किए गए हैं। वही दूसरे चित्र में देखिए, वार्नर सिग्नल भी ग्रीन है, इसका मतलब अगले सिग्नल तो ग्रीन है ही है, रिसेप्शन सिग्नल तो ग्रीन है ही है, साथ ही साथ कंसर्न स्टेशन के सारे डिस्पैच सिग्नल भी ग्रीन है। उस केस में वार्नर ग्रीन होगा, वार्नर ग्रीन का मतलब रन थ्रू, अगले स्टेशन से रन थ्रू का उसको इंडिकेशन मिल रहा है। इसको वार्नर सिग्नल को टू एस्पेक्ट में और क्लियरली समझाया गया, अगर होम सिग्नल लाल है तो वार्नर लाल है, होम सिग्नल का केवल रिसेप्शन तक के लिए टेकन ऑफ किया गया तो वार्नर लाल होगा, अगर होम सिग्नल के साथ साथ स्टार्टर एडवांस यानी रिसेप्शन और डिस्पैच दोनों डाउन है तो वार्नर सिग्नल हम लोगों का ग्रीन होगा। अब कलर लाइट सिग्नल में अगर मल्टी एस्पेक्ट है तो किस एस्पेक्ट का क्या मतलब है, वेट का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब कॉशन, ग्रीन का मतलब प्रोसीड, ग्रीन का मतलब प्रोसीड। अगर फोर एस्पेक्ट है तो उसके लिए भी अलग से वो है, वेट का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब सिंगल येलो का मतलब, या बॉटम येलो कहते हैं नीचे वाला येलो, कॉशन, डबल येलो मतलब बॉटम येलो भी जल रहा हो, सबसे ऊपर वाला टॉप येलो भी जल रहा हो, तो उसका मतलब अटेंशन के साथ बढ़ना है उसको। अगर ग्रीन है तो उसका पर्पज हो गया रन थ्रू, मतलब आप स्पीडली चले जाइए। अब इसके बाद एक चीज परिचित सिग्नल है, कॉलिंग ऑन। कॉलिंग ऑन सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल के अलावा और किसी भी सिग्नल पे लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल का पर्पस केवल ये है, जिस सिग्नल के नीचे उसको लगाया गया है वह मेन सिग्नल या वह स्टॉप सिग्नल खराब होने की स्थिति में, अगर वो ऑफ नहीं किया जा पा रहा किसी फेलियर की वजह से या किसी वजह से, या आगे लाइन ब्लॉक है लेकिन हमें इस ट्रेन को वहाँ तक ले जाना है, उस स्थिति में कॉलिंग ऑन सिग्नल को कॉलिंग ऑन ट्रैक पर 2 मिनट गाड़ी खड़ी होने के बाद ऑफ किया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल का को हम सिग्नल
जिस सिग्नल पोस्ट पे लगा हुआ है उस मेन स्टॉप सिग्नल के ख़राब होने पे तथा आगे उस सिग्नल के रूट में आने वाला सेक्शन ब्लॉक होने की स्थिति में भी वहाँ तक हम ट्रेन को संचालित कर ले जा सकते हैं। उसके लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रोविज़न GNSR के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार पूरे यार्ड में शंटिंग करने के लिए शंट सिग्नल लगाते हैं। शंट सिग्नल दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट तथा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो किसी मेन स्टॉप सिग्नल के नीचे ही उसी के पोस्ट पे लगेगा वो डिपेंडेंट सिग्नल होगा, वो उसका नॉर्मल एस्पेक्ट नो लाइट होगा। GNSR में बिल्कुल क्लियरली सारे इंडिकेशंस दिए गए हैं, सारी वर्किंग दी गई है। और अगर वो इंडिपेंडेंट सिग्नल है तो वो किसी स्टॉप सिग्नल की पोस्ट पे नहीं लगेगा, वो शंट सिग्नल की पोस्ट इंडिविजुअल होगी, अलग होगी, सेपरेट होगी। और वो उसका नॉर्मल एस्पेक्ट भी ऑन एस्पेक्ट एक जलेगा और क्रॉस लिट में क्रॉस बल्ब में क्रॉस LED दो जलेंगी जो उसका ऑफ एस्पेक्ट होगा। क्रॉस एस्पेक्ट या ऑफ एस्पेक्ट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का दोनों सेम होगा, लेकिन ऑन एस्पेक्ट डिपेंडेंट में नो लाइट होगा और इंडिपेंडेंट में दो वाइट लाइटें हॉरिजॉन्टल जलेंगी। दोनों में ऑफ होने का मतलब प्रोसीड विद कॉशस है, स्लो स्पीड के साथ प्रोसीड करना है ड्राइवर को। इसमें स्लो स्पीड के अलावा और कोई स्पीड एप्लीकेबल नहीं है, अनुमति और किसी स्पीड की नहीं है शंटिंग के दौरान। ये कुछ मार्कर्स हैं जिनको हम सिग्नल पे लगे हुए देख सकते हैं। जब भी आप स्टेशन पे जाएंगे तो ये मार्कर्स आपको सिग्नल पे लगे हुए दिखाई देंगे। अगर ए मार्कर लगा हुआ है वाइट, उस पर ब्लैक से ए लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेल्स भी है। जो अब सेक्शन चल रहा है वो ऑटोमेटिक सेक्शन है, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूस ट्रैक है और उसका नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन है। अगर आप उसी हिसाब से स्पीड को अपनी मेंटेन रखेंगे, ग्रीन का मतलब आगे कि कम से कम दो सिग्नल आपको ऑफ मिलेंगे। इसलिए स्पीड को मेंटेन रखने के लिए सेक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ट्रेनों का संचालन उस सेक्शन में करने के लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम ऑटोमेटिक सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर ऑटोमेटिक सेक्शन है तो ए लगा होगा। अगर इल्यूमिनेटेड मतलब ब्लैक के ऊपर जलता हुआ टाइप का ए दिखेगा, चमकता हुआ टाइप का ए दिखेगा तो वो सेमी ऑटोमेटिक है। वहाँ पर ऑटोमेटिक सेक्शन के साथ साथ मैनुअल ऑपरेशन भी सिग्नलिंग का संभव है, इस वजह से वो सेमी ऑटोमेटिक की दायरे में आएगा। उसके बाद सारे डिस्टेंट सिग्नल, सारे परमिसिबल सिग्नल पे पी मार्कर लगा होता है, पी फॉर परमिसिबल सिग्नल की ड्राइवर वो सिग्नल नो लाइट होने पर उस सिग्नल के नीचे खड़ा नहीं होगा। वो परमिसिबल सिग्नल है अपने आगे पिछले, मतलब उस स्टॉप परमिसिबल सिग्नल, ये स्टॉप सिग्नल नहीं है, उस परमिसिबल सिग्नल के आगे का जो सिग्नल होगा उसकी पोजीशन को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसका पर्पस केवल आगे वाले आने वाले सिग्नल की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करना है। तो नो लाइट किसी वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए इस पर ड्राइवर को खड़ा नहीं होना है और ये इंडिकेट करता है कि ये परमिसिबल सिग्नल है। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वहाँ पर रुक के SM ऑन ड्यूटी से VHF के माध्यम से बात करके अपने संशय को क्लियर कर सकता है या रुक के तुरंत चल सकता है, ये भी कर सकता है, क्योंकि इसके ये केवल अपने आने वाले सिग्नल की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये ऑफ होने का मतलब होता है कि आगे सारे सिग्नल डिस्पैच तथा रिसेप्शन सिग्नल उसको आप मिलेंगे, इसलिए इसको बनाया जाता है। IB सिग्नल अगर इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल लगा हुआ है, IB पोस्ट पे लगा हुआ है तो IB सिग्नल के नाम से दिखाएंगे उसको। G मार्कर अगर गेट सिग्नल लगा हुआ है तो G मार्कर के उससे दिखाएंगे। कॉलिंग ऑन के लिए C मार्कर लगा हुआ होता है, इसमें रिपीटर सिग्नल पे R लिखा होगा। अगर येलो पे ब्लैक G लिखा हुआ तो गेट सिग्नल हो गया। अगर A के साथ G लिखा है तो ऑटोमेटिक से टेप्सी में ये गेट स्टॉप सिग्नल हो गया। इस
मार्केशन के हिसाब से जो मार्कर लगे हुए हैं इनके माध्यम से हम उस सिग्नल को पहचानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है या किस चीज़ से उसका संबंध है। मल्टी एस्पेक्ट में मिनिमम सिग्नल इक्विपमेंट, इतने सिग्नल उस स्टेशन पे, जिस क्लास का स्टेशन है, इतने कम से कम सिग्नल अवेलेबल होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए, कम से कम एज पर जी एंड एस आर के अनुसार। अगर क्लास बी का कोई स्टेशन है तो उसमें कम से कम डिस्टेंट होम और स्टार्टअप सिग्नल कम से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आवश्यकता अनुसार ज़्यादा सिग्नल कितने भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर उसको बी क्लास स्टेशन का दर्जा दिया गया है तो उसमें कम से कम डिस्टेंट होम और स्टार्टअप सिग्नल अवश्य रूप से होने चाहिए। उसी प्रकार सी क्लास स्टेशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्लॉक हट, इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, ब्लॉक सेक्शन को स्प्लिट करके दो ब्लॉक सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए के बीच में जो हम IVH बनाएंगे उसमें मिनिमम सिग्नल इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे GNSR के अनुसार, केवल डिस्टेंट और होम। अपसाइड में भी डिस्टेंट और होम होगा तथा डाउन साइड में भी डिस्टेंट और होम होगा। उस स्टेशन का होम सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल किया जाएगा, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल होगा। अगर लोअर क्वाड्रेंट है कि सिग्नलिंग व्यवस्था है तो बी क्लास स्टेशन पे क्या क्या होगा, डिस्टेंट होम वार्नर बिलो द मेन होम एंड स्टार्टर, डिस्टेंट होम होगा, अगर वार्नर होगा तो होम के नीचे होगा, और सी क्लास स्टेशन में डिस्टेंट तथा होम होगा। अगर वही कलर लाइट व्यवस्था है टू एस्पेक्ट की है तो उसके लिए ईस्ट क्लास ए स्टेशन केवल टू एस्पेक्ट में पाया जाता है, मल्टी एस्पेक्ट में क्लास ए स्टेशन नहीं होता है। तो क्लास ए स्टेशन अगर टू एस्पेक्ट में है तो वार्नर होम तथा स्टार्टर होगा, और क्लास बी में आउटर और होम हो सकता है सिंगल लाइन में, और डबल लाइन में आउटर होम और स्टार्टर, ये मिनिमम सिग्नल इक्विपमेंट होंगे जो कम से कम GNSR के अनुसार इतने सिग्नल व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए या रखी जाएगी, तभी उसको संबंधित स्टेशन को वो क्लास दिया जाएगा ABC जो भी होगा। अगर मल्टी एस्पेक्ट है तो वहाँ पर ए क्लास स्टेशन नहीं होगा। अब किसी भी होम सिग्नल को टेकन ऑफ या ऑफ करने के लिए GNSR किन शर्तों को कहता है, कि इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही होम सिग्नल को, रिसेप्शन सिग्नल को हम ऑफ कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं या उसके माध्यम से ट्रेन का संचालन या रिसेप्शन कर सकते हैं। वो क्या क्या कंडीशन होंगी, डबल लाइन में एडिक्वेट डिस्टेंस स्टार्टअप सिग्नल के आगे, यानी सिग्नल ओवरलैप खाली होना चाहिए, बर्थिंग ट्रैक जहाँ तक उस ट्रेन का रूट है, उस सिग्नल का रूट है, उस सिग्नल के साथ उस ट्रेन का रूट है जहाँ तक बर्थिंग ट्रैक तक, वहाँ तक के सारे पॉइंट सेट एंड लॉक होना चाहिए। ओवरलैप के ट्रैक स्टार्टर के आगे ट्रैक तथा पॉइंट सेट एंड लॉक होना चाहिए जहाँ तक उसका सिग्नल ओवरलैप है, तथा ट्रैक सर्किट वो सारे क्लियर होने चाहिए, खाली होने चाहिए सभी। अगर होम सिग्नल और बर्थिंग ट्रैक के बीच तक जहाँ तक उस ट्रेन का रिसेप्शन होना है वहाँ तक बीच में कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है तो ट्रेन के लिए वो बंद स्थिति के साथ साथ लॉक पोजीशन में भी होना चाहिए, ताकि किसी भी माध्यम से गेट को उस दौरान खोला ना जा सके। उससे संबंधित सभी क्रैंक हैंडल लॉक होने चाहिए। अलग अलग डिस्टेंसेस इसमें दिए गए हैं, किसी उसमें क्या कितनी डिस्टेंस होती है, सिग्नल के आगे 180 मीटर खाली होना चाहिए ब्लॉक और लैब, तथा स्टार्टअप के आगे 120 मीटर सिग्नल और लैब खाली होना चाहिए। अगर वो टू एस्पेक्ट की वो है तो सिग्नल और लैब हम लोगों का 180 मीटर हो जाएगा। अगर लूप लाइन में रिसेप्शन हो रहा है होम सिग्नल के माध्यम से तो सैंड हैम्प की दूरी स्टार्टअप सिग्नल से
स्ट्रेट ट्रैक के साथ यानी स्टार्टर के आगे वाला पॉइंट नॉर्मल होने पर मूवमेंट सैंड हम की तरफ डायरेक्शन इस्टेब्लिश होगा और लैप इस्टेब्लिश होगा, तो वो भी सैंड हम की दूरी भी कम से कम 120 मीटर होनी चाहिए, तभी हम होम सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। अब स्टेशन मास्टर नॉर्मल कंडीशन में तो पैनल वीडियो आजकल की आधुनिक प्रणाली है उनसे ट्रेनों का संचालन करता रहेगा, अगर लीवर फ्रेम है तो केबिन मैन लीवर के माध्यम से ट्रेनों का संचालन करता रहेगा, पैनल है तो पैनल के माध्यम से स्टेशन मास्टर संचालन करता रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है तो पैनल तथा वीडियो दोनों के माध्यम से ऑपरेटिंग स्टाफ ट्रेनों का संचालन कर सकता है सुविधापूर्ण तरीके से सुरक्षा के साथ साथ। लेकिन अगर किसी उस समय कोई सिग्नल या पॉइंट फेल हो जाता है तो फिर सिग्नल या पॉइंट फेल होने से जिस गियर सिग्नल से संबंधित है पॉइंट और सिग्नल होगा वो सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता, उस सिग्नल के साथ इंटरलॉकिंग अब इफेक्टिव नहीं रहेगी क्योंकि उससे संबंधित पॉइंट हम लोग का फेल हो चुका है, उसको हम लोग सिग्नलिंग व्यवस्था के अनुसार ऑपरेट नहीं कर सकते या जो भी फेलियर होगा तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर किस तरह से ट्रेनों का संचालन करेगा ये सारी चीज़ें स्टेशन मास्टर को GNSR में अच्छा सा स्पष्ट तरीके से समझाया गया है कि ऐसी कंडीशंस में उसको क्या करना होगा। सर्वप्रथम उसको ख़राब सिग्नल ये इंश्योर करेगा कि वो ऑन पोजीशन में है, उसके बाद अगर पॉइंट फेल हुआ है तो पॉइंट को क्रैंक हैंडल के माध्यम से उस ट्रेन का जो रूट बनाना है उसके अनुसार उस डायरेक्शन में पॉइंट को क्रैंक हैंडल के माध्यम से सेट करने के बाद स्टेशन पे अवेलेबल जो SWR के अपेंडिक्स ई में जिन इक्विपमेंट इसेंशियल इक्विपमेंट का विवरण दिया गया है उसके अनुसार क्लैंप ले जाकर उस दिशा में पॉइंट को क्लैंप कर देगा, उसके बाद पूरा रूट फिजिकली चेक करने के बाद ट्रेन को अथॉरिटी भेजेगा विद पॉइंट्समैन या पोर्टर के माध्यम से जो हैंड सिग्नल लेके जाएगा और स्टेशन को पायलट को स्टेशन मास्टर से बात करा के हैंड सिग्नल दिखाते हुए गाड़ी को का रिसेप्शन करेगा। ये सारी चीज़ें स्टेशन मास्टर को पॉइंट या ट्रैक सिग्नल के फेल होने के समय करनी पड़ेंगी, अगर बीच में कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है ओवरलैप में लेवल क्रॉसिंग गेट है तो उसको भी वो बंद करके उसकी चाबी भी लॉक करके तभी पेपर अथॉरिटी ड्राइवर को भेजेगा। अगर डिपार्चर स्टॉप सिग्नल डिफेक्टिव है तो उस केस में चूँकि उसको प्रॉपर लाइन क्लियर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिल रही है LSS को डाउन करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में वो इससे पहले गई ट्रेन का कंप्लीट अराइवल अगले स्टेशन से लेगा और बिटेन अथॉरिटी के माध्यम से रेलवे सर्वेंट के माध्यम से वो उस ट्रेन को डिस्पैच करेगा। उसके लिए OPT बोलते हैं जिसके माध्यम से वो ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में इंटर होने की अनुमति देगा, उसमें लोको पायलट स्लो स्पीड के साथ कॉशसली उस ब्लॉक सेक्शन में इंटर करके अगले स्टेशन के रिसेप्शन तक जर्नी करेगा कॉशसली कि बीच में किस वजह से LSS हम लोग का ऑफ नहीं हो सकता हुआ या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में फेलियर किस वजह से OPT भेजी गई, इस वजह से ड्राइवर उसको कॉशसली पार करेगा और स्टेशन मास्टर उसके बाद जब तक सिग्नल फेलियर ठीक नहीं होगा लाइन लास्ट व्हीकल को एक्नॉलेज करता जाएगा और रिसेप्शन वाला स्टेशन भी रिसीविंग स्टेशन भी लास्ट व्हीकल को एक्नॉलेज करके तभी पिछले स्टेशन को नेक्स्ट गाड़ी के लिए लाइन क्लियर देगा।
लोको पायलट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, अगर स्टॉप सिग्नल डिफेक्टिव हो गया तो वो उस स्टॉप सिग्नल पे खड़ा रहेगा, उस समय स्टॉप सिग्नल ऑन पोजीशन पे होना चाहिए, जब तक उसको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिल जाती तब तक वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा चाहे जितनी भी देर हो जाए। अगर वो उस पर कोई ऑटोमेटिक का चिन्ह, गेट सिग्नल का चिन्ह, पी मार्कर या ऐसा कोई मार्कर उस सिग्नल पे नहीं लगा है, तो अगर मार्कर लगा हुआ है, ए मार्कर लगा है, जी मार्कर लगा है, तो उसके लिए दिन और रात में पास करने के अलग अलग नियम जी एंड एस आर में इशू किए गए हैं। लेकिन अगर कोई मार्कर नहीं लगा हुआ है तो उसको सिंपल स्टॉप सिग्नल ट्रीट करते हुए, रिसेप्शन सिग्नल या स्टार्टर सिग्नल ट्रीट करते हुए खड़े रहना है और स्टेशन मास्टर से संपर्क करने की कोशिश करना है अगर उसमें कोई मार्कर नहीं लगा। स्टेशन मास्टर द्वारा अथॉरिटी भेजने के बाद भी ड्राइवर की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, उसको अथॉरिटी चेक करना चाहिए कि उसी सिग्नल नंबर से उसको मैच करना चाहिए कि उसी की अथॉरिटी है। प्लस जो ऑपरेटिंग स्टाफ आएगा, जो हैंड सिग्नल दिखाएगा, जिसको हैंड सिग्नल के साथ उस रूट को फिजिकली इंजन से देखते हुए स्लो स्पीड के साथ अपनी ट्रेन का संचालन करना चाहिए। इसी प्रकार डिपार्चर सिग्नल के लिए भी ड्राइवर को जब ओपीटी के साथ ब्लॉक सेक्शन में इंटर करेगा तो उसको सारे सिग्नल ऑन पोजीशन में मिलने चाहिए, उस स्टेशन के जिस स्टेशन से उसको ओपीटी मिली है उसके साथ साथ ब्लॉक सेक्शन में फिजिकली देखते हुए स्लो स्पीड से ब्लॉक सेक्शन पूरा कवर करना चाहिए। उसमें सेक्शन स्पीड के अनुसार नहीं चलना चाहिए, ट्रेन का संचालन का असली स्लो स्पीड के साथ करना चाहिए कि बीच में कोई व्यवधान है, किस वजह से ब्लॉक का फेलियर हुआ है उसको नहीं पता, इस वजह से चूंकि उसको अथॉरिटी दी गई है केवल ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने का, तो इसलिए कासस स्पीड के साथ, परमिसिबल स्पीड नहीं, जो सेक्शन की स्पीड है उस स्पीड से नहीं, अगर उसको ओपीटी दी जाती है तो का स्लो स्पीड के साथ कास असली वो उस ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 6 प्रकार के ब्लॉक सिस्टम इंडियन रेलवेज में अडॉप्ट किए गए हैं, उनमें से एक है एब्सोल्यूट ब्लॉक स्टेशन सिस्टम। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में तब तक एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक पिछली ट्रेन कंप्लीट रूट ना क्लियर कर लिया हो और अगली गाड़ी को उसके रियर स्टेशन से लाइन क्लियर ना मिल जाए, एडवांस में लाइन क्लियर ना मिल जाए, तब तक उस गाड़ी को हम डिस्पैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रेन रिसीविंग स्टेशन पे उससे पहले वाली ट्रेन कंप्लीट पहुंच गई हो तभी सेंडिंग स्टेशन को लाइन क्लियर रिसीविंग स्टेशन के माध्यम से दिया जाएगा और तभी सेंडिंग स्टेशन उस ट्रेन को संचालित करेगा या डिस्पैच करेगा ब्लॉक सेक्शन के लिए। तो उसके लिए जो अलग अलग सिंगल लाइन के लिए, डबल लाइन के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए अलग अलग लाइन क्लियर देने की शर्तें दी गई हैं जी एंड एस आर में, उनको फॉलो करते हुए वो लाइन क्लियर देगा कि उतना पट क्लास बी है तो इतना ब्लॉक ओवरलैप क्लियर होना चाहिए, क्लास सी है तो ये कंडीशन है, ओवरलैप प्लस ट्रेन का मूवमेंट स्थिति में होनी चाहिए, चलती हुई ट्रेन दिखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जिस क्लास का वो स्टेशन होगा उस हिसाब से लाइन क्लियर देने में ये शर्तों को भी शामिल किया जाएगा। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सभी गाड़ियों का संचालन ब्लॉक सेक्शन में लाइन क्लियर के साथ ही किया जा सकता है। लाइन क्लियर देने की क्या क्या शर्तें होंगी ये भी सारी शर्तें भी जी एंड एस आर में अच्छा सा स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखा गया, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखा गया। अगर कुछ उसमें आवश्यक भी होता तो समय समय पर करेक्शन स्लिप के माध्यम से इसको और अपग्रेड कर दिया जाता है, उस रेलवे के द्वारा करेक्शन स्लिप इशू की दी जाती है और सभी लाइन स्टाफ को वो प्रोवाइड कराई जाती है, रनिंग स्टाफ को प्रोवाइड कराई जाती है। अगर ए क्लास स्टेशन है मतलब टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग है वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइन क्लियर लेने के लिए अगले रिसेप्शन सिग्नल या होम सिग्नल से आगे ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर खाली होना चाहिए,
तो वहाँ पर लाइन क्लियर दिया जाएगा। अगर क्लास बी स्टेशन है तो संबंधित ब्लॉक वो लैब खाली होगा। अगर बी क्लास स्टेशन है, पिछली गाड़ी का कंप्लीट अवेलेबल ना हो लेकिन अगर ब्लॉक वो लैब खाली है तो भी अगली नेक्स्ट ट्रेन को सेंडिंग स्टेशन से के लिए लाइन क्लियर दिया जा सकता है। लेकिन अगर वही क्लास सी स्टेशन है तो या IBH है तो उस केस में रिसीविंग स्टेशन सेंडिंग स्टेशन को गाड़ी के लिए तभी लाइन क्लियर देगा जब उसके यहाँ से गाड़ी होम सिग्नल क्रॉस करने के बाद 400 मीटर की डिस्टेंस क्लियर कर चुकी हो और रनिंग अवस्था में हो, तभी वो नेक्स्ट ट्रेन को लाइन क्लियर दे सकता है। ऑटोमेटिक ट्रेन सेक्शन, ऑटोमेटिक सेक्शन डबल लाइन में किस प्रकार से लगाते हैं? एक तो ऑटोमेटिक सेक्शन के लिए कंप्लीट सेक्शन को ट्रैक सर्किट करना पड़ता है। ट्रैक सर्किट से मॉनिटर करते हैं या एक्सेल काउंटर से करते हैं या SHDAC से करते हैं या ड्यूल डबल व्यवस्था रखी जाती है, ड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि या ट्रैक सर्किट फेल होने पर सिस्टम एक्सेल काउंटर पर चलता है, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। कोई भी एक सिस्टम फेल होने पर सिग्नलिंग व्यवस्था के या ट्रेनों के संचालन पर कोई इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और सेंट्री स्टाफ आराम से आके उससे संबंधित जो फेलियर होगा उसको अटेंड कर लेगा और ट्रेनों के संचालन में इस बीच में कोई व्यवधान नहीं पड़ता है। इसमें नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन होता है तथा जैसे जैसे ट्रेन ओवरलैप क्लियर सेक्शन क्लियर करती जाती इसको ऑटोमेटिक सेक्शन सिग्नल्स में सेक्शन को स्प्लिट करते हैं। कुछ कुछ दूरी पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाई जाती है, सिग्नल लगा के उस सेक्शन को हम बाइफरकेट करते हैं। ट्रेनों का संचालन जैसे जैसे आगे होता जाता है पीछे का सिग्नल उसी डिस्टेंस के क्लियर होने के अनुसार अपने आप स्वतः ऑटोमेटिक रूप से ऑफ होता जाता है, एस्पेक्ट अपना चेंज करता जाता है, जिसका आगे मैंने एक चित्र भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के हिसाब से इसी स्लाइड में मिलेगा आपको कि किस तरह से ट्रेन का संचालन होता तो आगे का सिग्नल का क्या एस्पेक्ट होगा, पीछे के सिग्नल का एस्पेक्ट किस तरह से चेंज होता है, ये आपको आगे उसमें देखने को मिलेगा। अब शंटिंग अगर हम करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे? ऑटोमेटिक सिग्नल में मैनुअल स्टॉप सिग्नल्स भी हों, सेमाफोर भी हों, तो उस केस में शंटिंग्स को डबल लाइन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच में कर सकते हैं, या BSLV आउटर मोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट है तो वहाँ पे हम BSLV लगाते हैं जिसका डायरेक्शन या दिशा स्टेशन की तरफ होती है, उसके और LSS के बीच में कर सकते हैं। सिंगल लाइन में हम शंटिंग अप एंड डाउन स्टार्टर्स के बीच में ही कर सकते हैं। अगर हमें अप्रोचिंग ऑफ ट्रेन इन फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन में शंटिंग करनी है, इसको हम नॉर्मली नहीं करते हैं किसी भी स्थिति में। जैसे अप डायरेक्शन में शंटिंग करनी है तो अप डायरेक्शन की शंटिंग हम उसके अप होम सिग्नल की तरफ नहीं करते हैं, केवल BSLV अप होम से 180 मीटर पे BSLV लगाते हैं लास्ट ट्रेलिंग पॉइंट के फर्स्ट ट्रेलिंग पॉइंट के पास, वहाँ तक BSLV तक हम शंटिंग कर सकते हैं। BSLV का पर्पज़ ही यही होता है, ब्लॉक शंटिंग लिमिट बोर्ड, वहाँ तक शंटिंग उसकी परमिसिबल है, GNSR के अनुसार उसको अलाउ किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में किस तरह से एस्पेक्ट आपस में कंट्रोल करते हैं या किस तरह से ट्रेन संचालन के समय ट्रेन मूवमेंट के समय आपस में एस्पेक्ट चेंज होते हैं ट्रेन रनिंग होने के साथ साथ अपने आप स्वतः अपने रूप से इस तरह के हम लोग उसमें सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उसका चित्र मैंने ये दिखाया है। सबसे ऊपर देखिए एक सिग्नल ग्रीन सिग्नल ट्रेन पास कर रही है, उसके बाद वो अगले ऑटोमेटिक सेक्शन में आ गई,
पीछे का सिग्नल वेट हो गया लेकिन आगे का सिग्नल उसको ग्रीन नहीं रहेगा, आगे पूरा सेक्शन खाली है, ये मानते हुए कि आगे के सारे सेक्शन ऑटोमेटिक खाली हैं, ये मानते हुए ट्रेन का मूवमेंट दर्शाया गया है। उसके बाद अगले सेक्शन में गई तो देखिए पीछे का सिग्नल तो वेट हो गया लेकिन जो सबसे पहला ऑटोमेटिक सेक्शन का सिग्नल था वो येलो हो गया। उसके बाद गई तो पीछे का तो वेट हो गया लेकिन उससे पीछे वाला जो वेट था वो येलो हो गया, जो येलो था वो डबल येलो हो गया। इसी तरह से इस चित्र में फोर एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेलसे में ऑटोमेटिक चेंज ऑफ सीक्वेंस एस्पेक्ट अपने आप स्वतः अपने रूप से कैसे बदल रहा है ये क्लियर इसमें दर्शाया गया। इस तरह से हम बहुत सारी ट्रेनों का संचालन ऑटोमेटिक सेक्शन, जितने ऑटोमेटिक सेक्शन होंगे सब पे एक एक ट्रेन रह सकती है और दिन और रात में वेट होने की स्थिति में भी ट्रेन खड़ी नहीं होगी। उस टाइम इंटरवल के बाद ड्राइवर स्लो स्पीड से कॉशियसली मूव कर सकता है। जैसे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम था, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम था, उसी टाइप से एक फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम है। इसमें ट्रेन को एक डायरेक्शन में डिस्पैच करने के लिए ये बनाया गया है जिसमें टाइम इंटरवल के बाद, जैसे दिल्ली मेट्रो है, इसमें टाइम इंटरवल के बाद एक ही डायरेक्शन में सारी ट्रेनों का मूवमेंट होता रहता है। उस टाइम इंटरवल के बाद एक ही डायरेक्शन में एक एक करके ट्रेनें डिस्पैच होती रहती हैं। अगला सेक्शन खाली हुआ उसी डायरेक्शन में सिग्नल लो होकर ट्रेन डिस्पैच हो जाएगी। ये ट्रेन का ये इस तरह का सेक्शन सिस्टम वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पर ट्रेनों का संचालन एक ही दिशा में हो। पायलट गार्ड सिस्टम जहाँ पर लोको पायलट और गार्ड के माध्यम से ट्रेनों का संचालन होता और कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती है, उस सिस्टम को हम लोग पायलट गार्ड सिस्टम कहते हैं। इस सेक्शन में कोई भी ट्रेन को पायलट गार्ड के बिना संचालित नहीं किया जा सकता। ट्रेन स्टाफ सिस्टम जहां पर इन ट्रेनों का इस सिस्टम का संचालन वही होता है जहां पर ट्रेन स्टाफ और टिकट स्टाफ अवेलेबल होता है 24 घंटे, वहां पर इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। ऐसा अब इंडियन रेलवेज में शायद कहीं है भी कि नहीं, ये क्लियर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सारी व्यवस्था पहले जब ट्रेनों की डेंसिटी फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी तब ये सारे ब्लॉक सिस्टम्स बनाए गए थे। ब्लॉक वर्किंग, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स में जनरल प्रोविजन क्या क्या होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकली ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है, टोकन भी हो सकता है, टोकनलेस भी हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकता है, डबल लाइन भी हो सकता है। उससे कंसर्न LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल के आगे एक ट्रैक बनाते हैं। ब्लॉक सेक्शन को मॉनिटर करने के लिए एक्सेल काउंटर लगाते हैं और दोनों ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में आपस में SM और DUTY को कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन का एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं ताकि लाइन क्लियर तथा ट्रेन का कंप्लीट अगले स्टेशन पे हो गया है इसकी सूचना पिछले स्टेशन को मिलना या ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड करने की स्थिति में आपस में कम्युनिकेशन, जितने प्रकार का कम्युनिकेशन के लिए दोनों स्टेशनों को आपस में बात करने के लिए कम्युनिकेशन का माध्यम होना आवश्यक है। इसमें मैंने एक चीज़ ये भी ली है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को गाइडलाइंस हैं अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन या जनरल मेंटेनेंस के लिए, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैक पे काम करता है तो उस दौरान वो काशन लगाता है अगर उसका ट्रैक उसको लगता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन स्पीड को अभी नहीं अडॉप्ट कर सकता है या ट्रैक कमज़ोर है, इसकी पैकिंग होने के बाद व्हील चेंज होने के बाद ही सेक्शन स्पीड दी जा सकती है, उस केस में वो उस ट्रैक पे उस जोन पे उस ट्रैक सेक्शन में काशन इम्पोज करता है। काशन इम्पोज के लिए जो पहला फिश टाइप का टेल लगा हुआ है वो ये बताता है कि आगे काशन बोर्ड आने वाला है, उसके बाद ये काशन बोर्ड है, काशन बोर्ड ये शुक में स्पीड लिखी होती है कि कितनी स्पीड परमिटेड है उस सेक्शन में इस किलोमीटर नंबर से इस किलोमीटर नंबर के बीच में, जिसको कंट्रोल के माध्यम से पहले ही ड्राइवर को रिटर्न में दे दिया जाता है जब उस सेक्शन में वो इंटर होता है। और काशन जब ख़त्म करते हैं उस समय जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं तीन, जब काशन
ख़त्म करना होता है तब ये इंडिकेशन वहाँ पर लगा दिए जाते हैं ताकि ड्राइवर को पता चले जो पहले यहाँ का आसन लगा हुआ था वो उसको ख़त्म किया जा चुका है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, जो भी लेवल क्रॉसिंग गेट जहाँ पे रेलवे ट्रैक और रोड ट्रैफिक सेम हाइट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पे हम लोग लेवल क्रॉसिंग गेट लगाते हैं। लेकिन लेवल क्रॉसिंग गेट की भी अलग अलग कैटेगरी है, इसको काउंटिंग करने के लिए, इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए एक पैमाना बनाया गया TBU, TBU नंबर ऑफ व्हीकल्स, हर उसको अलग अलग फोर व्हीलर को टू व्हीलर को अलग अलग नंबर के हिसाब से कैटेगराइज किया गया, उसको यूनिट में अलग से कन्वर्ट किया जाता है कि टू व्हीलर की किस यूनिट में काउंट करेंगे, फोर व्हीलर को किस यूनिट में काउंट करेंगे, ट्रक को किस यूनिट में काउंट करेंगे, उस हिसाब से उसको जब ऐड करेंगे तो अगर वो 50,000 से ज़्यादा है 24 घंटे में तो वो स्पेशल क्लास होगा, अगर वो 50,000 से 30,000 के बीच में है तो क्लास ए में आएगा, अगर वो 30 से 20,000 के बीच में है तो क्लास बी में आएगा, और अगर B1 के लिए भी B को भी दो कैटेगरी में कर दिया गया B1 और B2, अगर 30 से 25,000 के बीच में है तो B1, अगर 25 से 20,000 के बीच में है तो B2, और C क्लास के लिए 20,000 से कम के लिए है, तथा D क्लास का जो गेट होता है उसमें कोई भी बिहेवियर नहीं लगा हुआ होता है, वो केवल कैटल मतलब जंगली जानवर या पालतू जानवरों को क्रॉस ट्रैक क्रॉस करने के लिए ओपन बनाया जाता है, जो हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पर न कोई स्टाफ रहता है, ना किसी तरह की मॉनिटरिंग होती, ना किसी टाइप का बिहेवियर, लिफ्टिंग बिहेवियर या स्विंग टाइप का कोई भी बिहेवियर वहाँ पर नहीं लगाया जाता है। नॉन इंटरलॉकिंग जैसा मैं पहले बता ही चुका हूँ कि अगर ये कोई वर्क करने हैं, सिग्नलिंग का मॉडिफिकेशन करना है, अल्ट्रेशन करना है, एडिशन करना है, या सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी चेंज करना है, तो पुराने सिस्टम को हटाकर नए सिस्टम को इंस्टॉल करके कमीशन करने के बीच का जो समय होता है, जिस उस समय के दौरान पुराना सिस्टम हटाया जा चुका है और नया सिस्टम चालू नहीं हुआ होता है, या नए सिस्टम की टेस्टिंग चल रही होती है जिसके, या इंस्टॉलेशन चल रहा होता है, इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद हम लोग कमीशन करते हैं, तो ये बीच का जो समय अंतराल होता है जिसमें पुरानी मौजूदा व्यवस्था हट चुकी होती, नया व्यवस्था पे अभी ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चल रही होती, तो इस पीरियड में कोई भी सिग्नल की इंटरलॉकिंग इफेक्टिव नहीं होती, मतलब सिग्नल व्यवस्था पे ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा सकता। इस समय अवधि को, इस समय अंतराल को हम लोग नॉन इंटरलॉक कहते हैं। नॉन इंटरलॉक मतलब सिग्नल की कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं है, सिग्नल व्यवस्था पे ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है, इसको ऑपरेटिंग स्टाफ मैनुअल उस पर अपनी अथॉरिटी पर ट्रेनों का संचालन करता है, पॉइंटों को क्लेम करता है, कोई सिग्नल नहीं होते, OPT देके ट्रेनों का कासन स्पीड से ट्रेनों से स्टेशन से पास होती हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं नॉन इंटरलॉकिंग वर्किंग। ये किसी वजह से भी हो सकती, निम्नलिखित वजह में भी NI की आवश्यकता होती है, अगर किसी लीवर फ्रेम का ओवरहॉलिंग ड्यू हो गई है तो उस लीवर फ्रेम की ओवरहॉलिंग के लिए सारी लॉकिंग डॉग्स को हम हटा के ओवरहॉल करते हैं, उसमें 2-3 दिन का समय लगता है, अब तो एक एक दिन में भी हो जाते हैं एक केबिन, उसके लिए भी हमें NI लेना पड़ता है क्योंकि उस दौरान सारी लॉकिंग ट्रेस खोलकर सारी लॉकिंग डॉग्स हटाकर सफाई करके मेंटेनेंस करके वापस उनको स्थिति में रखने में कुछ समय लगता है, उस समय अवधि पे के लिए हमें NI की आवश्यकता होती है। रिमॉडलिंग, अगर स्टेशन पर कोई नई लाइन डाली जा रही है, लंबी लाइन को लंबा किया जा रहा है, नया पॉइंट पड़ रहा है, इंटरलॉकिंग चेंज हो रही, रिमॉडलिंग हो रही, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा रही या कन्वर्जन हो रहा है, तो उस केस में भी उस उतने समय के लिए उस स्टेशन को नॉन इंटरलॉक की करना पड़ता है या किया जाता है। अगर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग से इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग जैसे PI, RRI या EI को किया जा रहा है तो उसके लिए भी उस समय अंतराल को, उस समय अवधि के लिए नॉन इंटरलॉक को लिया जाता है,
ताकि हम लोग नया सिस्टम सिग्नलिंग सिस्टम को कमीशन कर सकें। रिप्लेसमेंट अराउंड की कोई फ्रेम्स है या पैनल्स की समय अवधि पूरी हो चुकी, लाइफ पूरी हो चुकी, तो नया पैनल लगाने के लिए, नया लीवर फ्रेम लगाने के लिए भी हमें NI की आवश्यकता होती है। अगर बड़े पैमाने पर केबल टेस्टिंग करनी है तो कुछ घंटे का NI हमें अप्रूव कराना पड़ता है। अगर SNT और इंजीनियरिंग द्वारा कोई जॉइंट मेजर वर्क करना है, कोई नया पॉइंट पढ़ना है जो रिमॉडलिंग के लिए पहले से डालना आवश्यक है, या कोई नई लाइन का कनेक्शन हो जाना है, या साइडिंग का कनेक्शन होना है, या कोई जंक्शन स्टेशन पर कोई नई लाइन किसी दूसरे स्टेशन से कनेक्ट हो रही है, तो उस केस में जॉइंटली NI की आवश्यकता होती है। अब SNT स्टाफ को सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम लोगों के लिए, SNT स्टाफ को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से GNDSR में मेंशन किया गया है कि सिग्नल मेंटेनेंस स्टाफ को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है डिसकनेक्शन देना चाहिए अगर पॉइंट सिग्नल अटैक सर्किट वगैरह में से संबंधित कोई काम के लिए, या क्रैंक हैंडल को निकालने के लिए, पॉइंट ऑपरेशन चेक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें डिसकनेक्शन लेना अति आवश्यक है। सिग्नल बल्ब, सिग्नल LED, सिग्नल के कनेक्शन टाइट करने के लिए, सिग्नल के कनेक्शंस के वायर रिप्लेस करने के लिए, अगर क्लैंप मीटर नहीं है और सिग्नल के पैरामीटर्स करंट वगैरह नापने, उसके लिए हम लोगों को डिसकनेक्शन अति आवश्यक रूप से लेना चाहिए। सिग्नल की फोकसिंग करनी है, लेकिन वो बल्ब के केस में है, अगर सिग्नल बल्ब लगे, अब तो मोस्टली सभी जगह LEDs लगे हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी डिसकनेक्शन की आवश्यकता होगी। ट्रैक सर्किट के पैरामीटर्स हैं, करंट वोल्टेज, रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रैक रिले रिप्लेस करनी है, फ्यूज रिप्लेस करना है, बैटरी की करंट चेक करनी है, चार्जर का करंट चेक करना है, बैटरी के टर्मिनल्स को टाइट करना है, उन सब के लिए भी डिसकनेक्शन की आवश्यकता है। अगर बैटरी प्लेस कर रहे हैं तो हमें डिसकनेक्शन लेना है, लेकिन अगर बैटरी का वोल्टेज और ग्रेविटी लेनी है, उस केस में हमको डिसकनेक्शन नहीं लेना है। बैटरी मेंटेनेंस के लिए डिसकनेक्शन हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वायर ढीला या रिप्लेस करना है, उस केस में हमें डिसकनेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के मेन बात यह है कि अगर हम सिस्टम उस सर्किट को ओपन कर रहे हैं तो हमें डिसकनेक्शन लेना, अगर हम सर्किट को ओपन नहीं कर रहे हैं, क्लोज अवस्था में ही, ऑफलाइन में ही हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, तो हमें डिसकनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिग्नलिंग केबल का मेगिंग जैसा मेन केबल के साल में एक बार, टेल केबल के साल में दो बार करनी है, उस केस में हमें डिसकनेक्शन लेना है, और डिसकनेक्शन के बिना कोई भी केबल टेस्टिंग किसी भी हालत में कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थ टेस्टिंग के लिए डिसकनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर लाइन क्लियर, कैंसिलेशन, इमरजेंसी काउंटर्स या कुछ भी चेक करना है, उसके लिए भी डिसकनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर रीसेटिंग चेक करें एक्सेल काउंटर, उसके लिए हमें डिसकनेक्शन लेना चाहिए। अगर ड्रेनेज या कुछ ट्रैक क्लीयरेंस या फ्लंज को क्लियर करा रहे हैं, या डबल बाउंडिंग लगी हुई है, सिंगल बाउंडिंग हम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें डिसकनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉक इंसुलेशन, RDSO इंसुलेशन को चेंज कराने के लिए हमें डिसकनेक्शन लेना आवश्यक है, उसको हमें डिसकनेक्शन लेना चाहिए। अब क्या क्या सिग्नलिंग स्टाफ को नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का, किसी भी तनाव की स्थिति में, किसी भी दबाव के होने पर भी किसी भी प्रकार का शॉर्टकट मेथड को नहीं अपनाना चाहिए। किसी भी विले के कॉन्टेक्ट को ब्रिज नहीं करना चाहिए, जोड़ने या लूप करने की कोशिश किसी भी उसमें नहीं करना चाहिए। पॉइंट सिग्नल और ट्रैक की वायरिंग के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना चाहिए। सेल्फ टाइप विले को टिल्ट नहीं करना चाहिए, उल्टा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सेल्फ टाइप विले में
जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से बनते हैं, जिसमें फीड ना होने पे भी उल्टा करने पे उसके कॉन्टैक्ट अपने आप स्वतः बन जाएंगे, जिससे वो सर्किट बाईपास हो जाएगा। प्लग इन टाइप को फॉल्स फीड या डायरेक्ट फीड से पिकअप कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ट्रैक रिले का ओवर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, मतलब जो परमिट है उसमें 300%, उससे ज़्यादा वोल्टेज किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। पॉइंट सिग्नल, ट्रैक, इन सबको डायरेक्ट किसी भी सप्लाई से ऑपरेट करने या पिकअप करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पॉइंट मशीन के अंदर जितने डिटेक्शन कॉन्टेक्ट हैं उनको बाईपास करने की कोशिश किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। पॉइंट सिग्नल और ट्रैक पे कोई भी मेजर वर्क, रिप्लेसमेंट का वर्क, अल्ट्रेशन का वर्क बिना डिसकनेक्शन के नहीं करना चाहिए। और पूरा काम ख़त्म होने के बाद ही, टेस्ट करने के बाद ही हमको रिकनेक्शन उस गियर का देना चाहिए। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और रिले रूम को बिना डबल लॉकिंग प्रोविज़न के नहीं रखना चाहिए। दोनों में हमेशा डबल लॉकिंग का सिस्टम प्रोविज़न रखना चाहिए। अब SEM में एक चीज़ और लिखी गई है, किस किस चीज़ों के लिए डिसकनेक्शन की आवश्यकता है। जैसे मैं पहले बता दूं, मैं क्लास में भी बताता हूं कि अगर किसी चीज़ का सर्किट को हम ओपन कर रहे हैं तो उस केस में हमें डिसकनेक्शन की आवश्यकता है। अगर पॉइंट की स्लाइड बदलना है, पॉइंट का रॉड बदलना है, पॉइंट मशीन के अंदर कोई वायर डैमेज लग रहा है, जॉइंट लग रहा है उसको बदलना है, या JB की स्ट्रिप ख़राब हो गई उसको रिप्लेस कर रहे हैं, इन सभी के लिए हमें डिसकनेक्शन की आवश्यकता होती है। पॉइंट के साथ साथ ट्रैक में अगर फ्यूज़ बदल रहे हैं, ट्रैक विले अगर ओवर हॉलिंग के लिए भेजनी है, या ट्रैक विले का SEM के अनुसार अवधि पूरी हो गई वो बदलना है, उस किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, अल्ट्रेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, चाहे वो बैटरी ही बदलनी हो, हमें डिसकनेक्शन लेना अति आवश्यक है। SEM में एक चीज़ और लिख बताई गई है जो मैं आपको बता दूं, सेफ्टी क्लास में मैं बताता हूं कि किसी भी गियर को अगर हम डिसकनेक्शन लेते हैं तो उसमें क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि जिस गियर का हम लोग डिसकनेक्शन लेंगे उसके साथ साथ उस गियर को डिसकनेक्शन मिलने के बाद इनऑपरेटिव करेंगे। इनऑपरेटिव मतलब उस गियर को का इंडिकेशन कार्ड देंगे, ट्रैक है तो ट्रैक को फेल कर देंगे, पॉइंट है तो पॉइंट के इंडिकेशन कार्ड देंगे, सिग्नल है तो सिग्नल को ऑन पोजीशन में कर देंगे, मतलब उसके दोनों ऑफ आउटपुट के लिंक कार्ड देंगे। पॉइंट है तो NWKR RWKR के लिंक कार्ड देंगे, अगर ट्रैक है तो TR को ड्रॉप कर देंगे, ताकि किसी भी हालत में डिसकनेक्शन होने के बावजूद ऑपरेटिंग स्टाफ उस कंसर्न गियर से संबंधित कोई सिग्नल मूवमेंट ना कर सके। क्योंकि मैंने कई ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, डिसकनेक्शन होने के बाद उस संबंधित गियर पे ट्रेन मूवमेंट होने पर इसी क्लास की वजह से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ने SNT विभाग को बराबर का दोषी साबित कर दिया है। इसलिए किसी गियर का डिसकनेक्शन लेने के साथ साथ हमें उस गियर को इनऑपरेटिव करना तथा टेस्टिंग करने के बाद ऑपरेटिव करके तभी हमको उसका रिकनेक्शन करना चाहिए। अगर कोई मैकेनिकल पार्ट किसी गियर का बदलना है उसके लिए हमें डिसकनेक्शन करना होगा, लेना होगा। अगर वायरिंग या वेल्डिंग करनी है उसके लिए हमें डिसकनेक्शन करना पड़ेगा। अगर कोई की ट्रांसमीटर T2 लॉक को हम खोल रहे हैं उसके लिए हमें डिसकनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर किसी लेवल क्रॉसिंग गेट के कोई ई टाइप लॉक को हम रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए हमें डिसकनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर गेट पे वायर रिप्लेस कर रहे हैं उसके लिए हमें डिसकनेक्शन लेना पड़ेगा। पॉइंट की ओवर हॉलिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें डिसकनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी बीट टेस्ट करने के बाद उसकी बीट एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, गेज एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें डिसकनेक्शन लेना पड़ेगा। सिग्नल की LED रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें डिसकनेक्शन लेना पड़ेगा। उसके
वोल्टेज लेने पे नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसकी करंट चेक करने हैं तो सर्किट हम ओपन कर रहे हैं उस केस में हमें डिसकनेक्शन लेना पड़ेगा। रिले में साफ सफाई करने पर कोई डिसकनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, और इन सारे डिसकनेक्शंस को हमें SIFO रजिस्टर में मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि मंथली महीने के लास्ट में हम ये चेक कर सकें कि कौन सा इंपॉर्टेंट डिसकनेक्शन हमने लेने से रह गया था या हमें अब लेना है, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड होगा तो पूरा हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा GNSR के अनुसार दिया गया है कि किस चीज़ के लिए हमें डिसकनेक्शन लेना है और किस चीज़ के लिए डिसकनेक्शन नहीं लेना है। इस प्रकार से GNSR के माध्यम से सभी रेलवे कर्मचारियों को नियम समझाए गए हैं, बताए गए हैं ड्यूटी के दौरान किस तरह से किस नियम के अनुसार ट्रेनों को सुरक्षित प्रकार से चलाने के लिए हम लोगों को सहयोग करना है, रेलवे कर्मचारियों को ड्यूटी करना है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किस परिस्थितियों में किस तरह से काम करना है, नॉर्मल कंडीशंस में कैसे काम करना है, फेलियर के समय किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है, आपातकाल में ट्रेनों का संचालन किस तरह से करना है, या संटिंग के दौरान क्या वो देना है, ड्राइवर गार्ड की क्या जिम्मेदारी है, स्टेशन मास्टर की क्या जिम्मेदारी है, SNT स्टाफ की क्या जिम्मेदारी है, SNT स्टाफ डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन को आधार बना के अगर मेजर बहुत कोई जो आवश्यक काम उसको दिखाई देता है जिससे ट्रेनें संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है, उसमें केस में वो डिसकनेक्शन ले के तो तत्काल उस गियर को डिसकनेक्ट करके ट्रेन के संचालन को रोक कर सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। ये सारी चीज़ें GNSR में साफ रूप से दी गई हैं। धन्यवाद।